हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट सूचना देने जा रहा हूँ फैट लॉस के टिप्स के बारे में, कि काफ़ी लोग यह मिस्टेक करते हैं। और सबसे बड़ा मिस्टेक ये है कि लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, फैट लॉस नहीं, और देखना चाहते हैं कि मेरा वेट कितना घट गया, 10 किलो, 5 किलो, अपना वेट को घटाना चाहते हैं। फैट या मसल या वाटर वेट से उनको कोई मतलब नहीं रहता है। पतला होना और फिट होना दोनों में अंतर होता है। कुछ लोग बहुत कम कैलोरी लेने लगते हैं, बहुत ज़्यादा कम कर लेते हैं अपने कैलोरी को, या कुछ लोग दिन भर वॉकिंग करने लगते हैं या दिन भर कार्डियो करने लगते हैं, जिसके वजह से उनका मसल लॉस हो जाता है। मसल लॉस के कारण उनका वेट घट जाता है और उनको लगता है कि उनका फैट घट गया और वज़न कम हो जाता है, जो कि बहुत नुकसानदायक है शरीर के लिए, हेल्दी नहीं है और ख़राब है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि इस लड़का का पेट लटक गया है और फैट नहीं घटा है, मसल लॉस हो गया है। ये सबसे बड़ा गलती है फैट लॉस में, कि वज़न घटाने के पीछे लोग जाते हैं। फैट लॉस में आपको सबसे ज़्यादा वेट लिफ्टिंग पर ध्यान देना है, क्योंकि वेट लिफ्टिंग करने से मसल हमारा यूज होता है, और मसल जब तक यूज होता है तब तक मसल घटेगा नहीं जब तक वेट लिफ्टिंग आप कर रहे हैं। और जो लोग कार्डियो ज़्यादा करते हैं उनका मसल लॉस हो जाता है, क्योंकि मसल वर्क नहीं हो रहा है, कार्डियो से केवल कैलोरी बर्न होगा शरीर का। फैट लॉस के दौरान आप लोग को 1 घंटा वेट लिफ्टिंग करना चाहिए, और कार्डियो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या आधा घंटा, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। आधा घंटा मैक्सिमम काफ़ी है कार्डियो। मेंटेनेंस कैलोरी लेकर फैट लॉस करना एक हेल्दी तरीका है फैट लॉस करने का। मेंटेनेंस कैलोरी कैसे निकालते हैं, BMR, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, पिछले एक फैट लॉस के बारे में जो वीडियो था मेरा। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पहले ये याद रखना है कि फैट लॉस के दौरान आपको वेट लिफ्टिंग वाला एक्सरसाइज नहीं छोड़ना है, वज़न आपको उठाना है ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप उठा सकते हैं उससे आपका मसल बना रहेगा शरीर में, मसल लॉस नहीं होगा, केवल फैट लॉस होगा, प्योर फैट लॉस होगा। ये वीडियो वर्कआउट के ऊपर नहीं है, ये वीडियो फैट लॉस के नॉलेज के बारे में है, फैट लॉस के ऊपर जो सबसे बड़ा मिस्टेक लोग फैट लॉस के दौरान करते हैं उसके ऊपर यह वीडियो है। और फैट लॉस के दौरान आपको वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज में आपको सारे मसल्स को टारगेट करना है, शरीर का एक भी मसल्स को नहीं छोड़ना है। लेग्स का भी वर्कआउट करना है, बैक का भी, चेस्ट का भी, शोल्डर का भी, फोरआर्म्स का भी, एक एक मसल को टारगेट करना है, छोटा छोटा मसल्स या बड़ा बड़ा मसल्स, सारे मसल्स को टारगेट करना है। तब आपका फैट लॉस एक बेहतरीन तरीका से और बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत फिट आप नज़र आएंगे, हो सकता है आपका 6 पैक भी नज़र आने लगे। वही अगर आप कार्डियो से फैट लॉस करते हैं तो आपका सारा स्किन लटक जाएगा और मसल लॉस हो जाएगा, ताकत कम हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा, डार्क सर्कल्स बढ़ जाएगा, बहुत सारा साइड इफेक्ट है कार्डियो से फैट लॉस करने का। इसलिए कार्डियो ज़्यादा ना करें, कार्डियो केवल आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, उससे ज़्यादा ना करें। वेट लिफ्टिंग 1 घंटा करें या 45 मिनट। अगर आप कार्डियो से वेट लॉस करते हैं, चाहे 10 किलो हो या 15 किलो या 20 किलो भी अगर आप लॉस करते हैं कार्डियो से अपना वेट को, तो आप ज़्यादा पतला नज़र नहीं आएंगे। और अगर आप वेट लिफ्टिंग से लॉस करते हैं, अगर 5 किलो भी वज़न आप घटाते हैं, तो आप ज़्यादा पतला नज़र आएंगे और फिट नज़र आएंगे और मस्कुलर नज़र आएंगे, अच्छा नज़र आएंगे। तो इस तरह के मिस्टेक करने से आप लोग फैट लॉस में बचे, आप लोग इस तरह के मिस्टेक ना करें, कार्डियो ज़्यादा ना करें। और एक और मिस्टेक लोग करते हैं फैट लॉस के दौरान, कि सोचते हैं कि मुझे अपना मेंटेनेंस कैलोरी लेना है, चाहे कोई भी भोजन करूँ, तेल वाला खाना या बर्गर या पिज्ज़ा कुछ भी खा कर मुझे कैलोरी लेना है। फैट लॉस के दौरान बर्गर, पिज्ज़ा, ये सबसे कैलोरी लेने से हम लोग का शरीर को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है अच्छा से, और जिसके वजह से हम लोग का हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए फैट लॉस के दौरान हेल्दी फूड लें और हेल्दी फूड का कैलोरी को लें, और ये सोचकर कैलोरी केवल ना ले कि इतना कैलोरी मैं लिया उतना घटा दूंगा तो फैट लॉस हो जाएगा। कैलोरी में भी आपको हेल्दी फूड पर ध्यान देना है। ये था हमारा दूसरा मिस्टेक फैट लॉस का। और तीसरा मिस्टेक लोग करते हैं फैट लॉस के दौरान, कि पानी कम पीते हैं। और आप एग्जांपल भी देख सकते हैं कि पानी आज से आप अगर ज़्यादा कर दीजिएगा पीना और एक्सरसाइज बंद भी कर दीजिएगा, तो 3-4 दिन बाद आपका 3-4 किलो वेट लॉस हो चुका होगा, आप लोग ये देख सकते हैं। और आपको कितना पानी पीना चाहिए आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं हाइट वेट के अनुसार, और जितना आपको वहाँ पर बताएगा लीटर पीने या गिलास पीने, उतना गिलास में आप 2-3 गिलास और ऐड कर लीजिए अपने से, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं फैट लॉस के लिए, तो तब आपको फैट लॉस में एक बेटर रिजल्ट मिलेगा।
और एक और टिप्स है फैट लॉस के लिए कि जब आप लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं और मसल को मसल का जो मसल्स फाइबर होता है उसको आप लोग तोड़ते हैं तो वो जुड़ने के लिए और शरीर का कैलोरी बर्न करता है। जब वो जुड़ता है जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं तो वो शरीर का और उसमें कैलोरी बर्न करता है जिससे फैट लॉस और जल्दी होता है। और फैट लॉस के लिए सबसे बेहतरीन वर्कआउट है स्ट्रेंथ वर्कआउट, मसल बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग, ये सबसे बेस्ट होता है। आप लोग गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं और कुछ वीडियो इसके ऊपर है भी यूट्यूब के अंदर। तो आप लोग इन सब बातों पर ध्यान दें, फैट लॉस के दौरान ज़्यादा कार्डियो नहीं करना है और वेट पर ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा वेट घट रहा है या नहीं घट रहा आपको स्ट्रेंथ वर्कआउट पर ध्यान देना है और कैलोरी आप लोग को केवल हेल्दी फूड से लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा वेट लिफ्टिंग पर ध्यान देना है, कार्डियो पर ध्यान नहीं देना है और वाटर इनटेक भी ज़्यादा रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में मेरा फैट नहीं लटका था जिस तरह से पहले की तस्वीर में आप देखे थे कि उन लोगों का फैट लटक गया था, क्योंकि मैं वेट लिफ्टिंग करता था और कार्डियो मैं ना के बराबर करता था। अभी मैं आप लोग को मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ फैट लॉस का, इसको ध्यान से सुनिए आप लोग। अगर आप लोग को फैट लॉस करना है तो आप लोग को शरीर का केवल 3 मसल को टारगेट करना है वर्कआउट करते समय। पहला मसल्स है बैक मसल्स। बैक मसल्स शरीर का सबसे बड़ा मसल्स का एक हिस्सा है और इसके अंदर बहुत सारा मसल्स होने के कारण इसका वर्कआउट करने से फैट लॉस बहुत जल्दी होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न करता है मसल फाइबर को वापस से जोड़ने के लिए। जब ब्रेक हो जाता है मसल फाइबर तो उसको जोड़ने के लिए यह बहुत ज़्यादा कैलोरी को बर्न करता है। सेकेंड मसल का नाम है चेस्ट। चेस्ट मसल भी बहुत बड़ा मसल, चेस्ट का भी मसल फाइबर को जोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न होता है, जिसकी वजह से ये फैट लॉस में बहुत ही अच्छा मसल से टारगेट करने के लिए। अगर आप कम कैलोरी भी लेते हैं तो आपका चेस्ट मसल जब ब्रेक हो जाता है मसल फाइबर चेस्ट का तो ये आपका पेट पर का फैट को बर्न करके अपने आप को रिकवर करता है। लेग्स मसल्स भी हमारा शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा है और इसका वर्कआउट तो सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि एक तो लेग्स मसल्स बहुत बड़ा मसल्स है और उसके बाद लेग्स का एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होता है जो कि और किसी मसल्स का वर्कआउट करने में नहीं होता है। और इन तीनों मसल्स का वर्कआउट करने पर फैट लॉस जल्दी होने का साइंटिफिक कारण ये है कि ये तीनों शरीर का सबसे बड़ा मसल्स है और इसका वर्कआउट करने पर ये ज़्यादा कैलोरी बर्न करता है शरीर का अपने आप को रिकवर करने के लिए, मसल्स फाइबर को जोड़ने के लिए, इसलिए हमारा फैट लॉस इन तीनों मसल्स का वर्कआउट करने से जल्दी होता है। तो इसी तरह के फैट लॉस के नॉलेज लेने के लिए या फैट लॉस के मिस्टेक्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फैला दीजिए। धन्यवाद।